शुभ प्रभातम। आज की सुबह भरमौर में, और आप नीचे देख सकते हो कितना जाम लगा हुआ है गाड़ियों का भी और बंदों का भी, क्योंकि हम सुबह सुबह निकले हैं। अभी उतनी पूरे तरीके से मतलब लाइट नहीं हुई है, सुबह ही निकले हैं ताकि गाड़ी हरसल की ओर आराम से जा सके, मगर लेकिन फिर भी बहुत जाम है। अलव्या धीरे धीरे चल रही है। अलव्या कहाँ जा रही है? अलव्या जी कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा, भोले बाबा के जा रहे हैं बड़ी दूर पहाड़ियों पे। तो पूरा व्लॉग आज का भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आज कहाँ रुकेंगे कहाँ बैठेंगे, क्योंकि रास्ता भी कोई कम मतलब अच्छा नहीं है, थोड़ा खराब ही है। अभी हमें भरमौर से 14 किलोमीटर पीछे जाना है हरसल की ओर, लेकिन ट्रैफिक काफी जाम है वहाँ पे, तो आदमियों का चलना मुश्किल हो रहा है। तो गाड़ी निकालनी काफी टफ थी, हालांकि हमने दूर गाड़ी लगाई थी, 3-4 किलोमीटर पीछे लगाई थी, पर फिर भी काफी टफ रास्ता है। तो देखते हैं आगे कितना जाम रहता है, क्या रहता है। हरसल के लगभग 3-4 किलोमीटर में भी पीछे हमको उतार दिया गया है, क्योंकि आगे गाड़ियां काफी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, और अब 4 किलोमीटर वैसे भी हरसल तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा अभी। तो अब देखते हैं आगे कैसा रहता है सफर। वो देखो, दूर वो भरमौर दिख रहा है, वहां से आए हम, और अभी इस ओर जाना है हमने पीछे की ओर। हम हरसल पहुंच चुके हैं, और ये छोटी सी मार्केट है हरसल में, और यहाँ से अब हमने ऊपर चढ़ाई करनी है। अब सीधी चढ़ाई है ऊपर की ओर, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफर। ये आ गया हरसल से ऊपर प्रवेश द्वार, ये समझ ले लो इसको। यहाँ पे देखो शेर और बकरी की ये बनाई हुई है मूर्ति, और यहाँ से ऊपर हमने चढ़ाई करनी है मणि महेश की ओर। ऐसे कैसा भयानक रास्ता मिल रहा है, यहाँ रास्ता है ही नहीं, पर ये पुल कंस्ट्रक्ट किया है। ये देखो सफड़ में, देखो नीचे पूरा खाली है। जय भोलेनाथ। देखो कैसा कैसा रास्ता है, ये वाला पुल है, पर डेंजर वाला पुल है। चल नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, ये देखो ऐसा चल के ही बुरी हालत हो गई है हमारी, क्योंकि आपको पता है इधर ऊपर जाने के लिए जूते कैसे होने चाहिए, जूते आरामदायक होने चाहिए और गर्म कपड़े होने चाहिए ऊपर कैलाश के लिए। तो अभी तो हमने सब साथ चलाए हैं, उसके लिए बैग हैं भरे हुए, स्लीपिंग बैग है साथ में, और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे अब ऊपर की ओर, क्योंकि तेज़ नहीं चला जाएगा इस साइड तेज़ चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई तेज़ चलता है तो वो जल्दी थक जाता है, इसलिए स्लोली स्लोली चलना है ऊपर की ओर। रास्ता भी कठिन है नीचे से, हाँ दूसरा रास्ता भी है नीचे से, वो वाला नीचे से जहाँ से लोग आ रहे हैं, पर हम ऊपर वाले रास्ते आए। काफ़ी भयानक रास्ता है, ये पत्थर ही पत्थर हैं इस रास्ते में। वो जो पार वाली रोड जो हमें दिख रही है ना, वहाँ पे जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो वो रोड जो पीछे जाता है यहाँ से हरसल से 14-15 किलोमीटर है, तो वो पीछे केलिंग वजीर बोलते हैं वहाँ का नाम है, क्योंकि वहाँ कार्तिक जी विराजमान है, वहाँ के लिए वो रोड जा रहा है। तो हम तो मणि महेश की ओर जा रहे हैं इस ओर। यहाँ पे मैंने एक बात नोटिस की, ये जो दाल चावल और रंगीन चावल यहाँ पे डाले हुए हैं, तो ये हर 10 कदम के आगे पत्थर पे डाले हुए हैं। ये क्यों डाले हुए हैं मुझे नहीं पता, और किसने डाले हैं ये भी नहीं मुझे पता। तो अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे भी पता चलेगा कि ये क्यों जगह जगह 10 कदम की दूरी पर ये कलरफुल चावल डाले हैं। अलावा तो थक गई है, पर अभी हमें धनशो जाना है, धनशो आज स्टे करना है, 4 किलोमीटर है अभी हमने चलना, और पीछे 1 किलोमीटर ही चल के आए हैं। 1 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर तो हम मतलब मैं बोल रही थी ना गाड़ी छोड़ के, पर गाड़ी छोड़ के 6-7 किलोमीटर था, और अब हम 8 किलोमीटर चल के आए हैं, और अभी ऊपर कितना 4 किलोमीटर चलना है। लवे जी अभी 4 किलोमीटर चलना हमने, इधर से पीछे से चलो। हाँ भाई डेंजर डेंजर, अलव्या को सिर्फ डेंजर लग रहा है इधर। यहाँ से काफी जाम लगा हुआ है, लोगों का जाम लगा है, गाड़ियाँ तो नहीं है पर काफी जाम है। यहाँ से ऊपर चलना अब कठिन है, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आ गए ना दो मेल वे, जहाँ से दो रास्ते मिलते हैं,
अब यहाँ से ऊपर तो एक ही रास्ता है। थक के बुरी हालत हो गई है। यहाँ थोड़ा पानी पियेंगे, विश्राम करेंगे और पानी पियेंगे। बुरी हालत है, एक तो रास्ता काफी तंग है और लोग बहुत ज्यादा हैं, चलने में भी कठिनाई होती है भार उठा के। तो अब हम यहाँ पहुंचे, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है तो उसका गोट दुनाली 1 किलोमीटर और धनछू लिखा है 4 किलोमीटर। तो पता नहीं अभी कितना है कितना नहीं, कहीं नीचे लिखा था 4 किलोमीटर, अभी यहाँ लिखा है। अब देखते हैं, सीधी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई और इतना रश है। अलव्या तो बहुत थक गई है, इसलिए अलव्या को रेस्ट करने के लिए रखा है यहाँ पे। रेस्ट जय बोले, जय बोले। ज्यादा या थोड़ा? नहीं अभी तो थोड़ा ही जाना, हमने इतना दूर थोड़ी ना जाना। अब कहाँ से हो अब आप? जसुआ। वो कहाँ हुआ? पंजाब। होशियारपुर पंजाब से। ये देखो ये भैया पंजाब से आए हुए हैं। और भैया कैसा लग रहा है आपको यात्रा में? ओ भैया रो रहा है, रो रहे हो या हंस रहे हो, क्या बात है? ये परेशान ही हो गए हैं, पता है क्या, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है ना। बोले बाबा कहते खुशी खुशी जाना चाहिए, परेशान होकर नहीं जाना चाहिए। ओ भैया भैया बेचारा परेशान है। तो चलो जय भोले, जाओ आप खुशी खुशी, हमने तो आधे रास्ते रुकना है आज। देखो कहाँ पहुंचे हम, देखो कितनी अच्छी जगह पे पहुंचे हम। जिस जगह पे हम पहुंचे हैं यहाँ पेड़ा जैसा है, आप देख सकते हो आगे पुल है, ये दुनाली है और ये साथ में जो नदी बह रही है, ये ऊपर से नदी आती है। पहले नदी के किनारे किनारे रास्ता था, लेकिन अब इस बार इन्होंने चेंज किया है रास्ता, इसलिए हम इस वाले ऊपर वाले दूसरे रास्ते से आए। और यहाँ आप भीड़ देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कैसा रास्ता है। यहाँ कच्चा और रिस्की पुल है, इसलिए यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है। देखो जाना बाहर का ऊपर। बड़ी बुरी हाल है, चलना बड़ा टफ है, एक पांव रखना जो बड़ा जी। अभी हम कहाँ पहुँचे? धनछू। इसको भी पता चल गया, ये अभी थोड़ी चाय पी के रिलैक्स हो गई है, क्योंकि काफी चला है आज इसने। गुड गर्ल, बहुत चला है आज आपने, है ना, बहुत चला इसने। और लगभग हम धनछू में पहुँच ही गए हैं, अब देखेंगे कहाँ पे रुकना है, टेंट वेंट लगाएंगे, वहीं बैठेंगे, क्योंकि धनछू से हम कल सुबह निकलेंगे डल की ओर। और आपको धनछू में यहाँ पे एक झरना बहता है, वो दिखाऊंगी। उस झरने में से मतलब इतनी वहाँ से बिजली निकलती है, वो दिखाने वाली हूँ आज मैं आपको। यहाँ पे जगह जगह लंगर की व्यवस्थाएं हैं और चाय पानी भी रास्ते में आपको हर जगह मिल जाएगा, पर भोजन उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर सीधी चढ़ाई होती है और इसलिए अगर जितना खाना कम खाया जाए तो उतना आराम से और आसानी से इंसान पहुंच जाता है टाइम का। छोटा बच्चा ढोल बजा रहा है, वाह क्या बात है। एक वीडियो बन चुकी है, वीडियो बना दिया। जय बोले, आया लगा से बड़ा नाम किया बिटिया देखे ये वाले सवाल बाते रहो, बोले का गुण गाते रहो, पौड़ी पौड़ी चलते जाओ, बोले का गुण गाते जाओ, खट्टा मीठा खाओ, बोले का गुण गाओ। जय बोले जी, सभी दो गोलगप्पे खाते थे, आगे बढ़ते और जितने खाने थे लाइन में।
हम लाइन पे जितना मर्जी खाते रहे, सबका बार बार मौका मिलेगा, सब खाएंगे, खट्टा मीठा खाएंगे। अभी हम धर्मशो की पीक पाइप पे पहुंच चुके हैं, बस अब यहीं कहीं रहना पड़ेगा। यहाँ जगह जगह भंडारे लगाए हुए हैं, कोई पंजाब के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई कहाँ कहाँ के हैं, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने यहाँ पे भंडारे लगाए हुए हैं भोले बाबा के नाम पे। भोले बाबा इनको अन्न धन सुख समृद्धि दे। ओम नमो शंभुआय च मौभ्याय च मस्कराय च शिवत्राय च शिवलिंग। जैसे ही हम धनशो पहुंचे तो वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, पर बारिश से कौन ही डर रहा है। जैसे श्रद्धालु आप देख सकते हो बारिश में भी कैसे कंटिन्यू चल रहे हैं ऊपर की ओर, भोले बाबा से मिलने की ऐसी धुन है कि बारिश में भी आराम से चल रहे हैं। पर हमने यहाँ टेंट में शरण ली हुई है क्योंकि हम कुछ समय बैठेंगे, विश्राम करेंगे, जब तक बारिश है तब तक विश्राम करेंगे। कितने भाव और प्रेम के साथ ये लंगर लगाते हैं और बुला बुला के भक्तों को लाते हैं भोजन के लिए। ये देखो लक्ष्य जी पाव भाजी खा रहे हैं, पंडित जी खा के बैठे हैं शुरमा रहे हैं, और दूसरे भगतजन भी पाव भाजी खा रहे हैं बड़े चाव के साथ, अमृतसर वाली पाव भाजी। गर्मो गर्म भाजी आ गई है जी, भगत जी आ गई है। लोग कैसे बुला बुला के मतलब अपने लंगर में बुलाते हैं, भगवान अगर इनको नहीं देगा तो किसको देगा। दान देने से ही तो कलयुग में पुण्य जो है वो दान का ही पुण्य है, इसलिए हमको दान करना चाहिए ताकि यहाँ पे देखो कितने सारे लोग खाना खाते हैं। बड़ी ज्यादा बारिश लगी हुई है अभी, अभी फुल जोश में बारिश लगी, अभी तक तो थोड़ी बूंदाबांदी थी समझ लो, पर अभी बहुत ज्यादा बारिश लगी और हमने यहाँ टेंट में आश्रय लिया हुआ है क्योंकि यहाँ सारे अपने भद्रोही हैं, तो इसलिए हम यहाँ कुछ समय के लिए बैठ गए हैं और उसके बाद जो है हम उसके बाद हम टेंट बाहर लगाएंगे अपना कहीं, और आज रात यहीं पे विश्राम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अगर कोई अपना टेंट ना भी लाएगा तो यहाँ पे 100 रुपीज पर हेड ये रूम मिल जाता है। 100 रुपये एक मैन रो ना 200, हाँ 200 पर हेड, क्योंकि आजकल रश हो गया है तो इसलिए इन्होंने मतलब रेंट बढ़ा दिया गया है। तो बारिश बहुत ज्यादा तेज है। जो सामने स्थान दिख रहा है ये धनशो है, और यहाँ इतने दूर से मतलब झरना गिरता है कि बिजली प्रकट होती है यहाँ पे, और यहाँ जो है सुबह हम इसके छींटे अपने ऊपर सभी लेंगे, सभी श्रद्धालुगण, पर अभी नहीं जाएंगे, अभी थोड़े थके हुए हैं, अभी नीचे ही हम यहाँ पे ही रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ही टेंट लगाए हैं हमने, तो सुबह जाएंगे उधर ऊपर और यहाँ से कैलाश कुंड की ओर जाएंगे। ये देखो यहाँ कितने अच्छे शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं। हमने अपना टेंट अभी अभी यहाँ पे फिट कर दिया है और अलविया आराम से टेंट में सो रही है। अलविया मजा आया? हाँ मजा आया, और सब लोगों ने अपने अपने टेंट फिट कर दिए हैं, और जिन्होंने टेंट साथ नहीं लाए हैं तो उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था यहाँ है। तो सुबह हम वहाँ से निकलेंगे, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया, तो अभी मैं आपको यहाँ कल यहाँ की पूरी पूरा दृश्य दिखाती हूँ। इस जगह का नाम धनशो है, ये देखो धनशो मतलब छो, मतलब ये जो वाटरफॉल है इसकी वजह से इसका नाम छो पड़ा है। तो बहुत रौनक मेला है, वो देखो पार वाली साइड से एक लाइन है श्रद्धालुओं की और यहाँ से एक लाइन है श्रद्धालुओं की।
अपने सभी भद्रोहियों का पता करने जा रही हूँ ताकि सबको स्थान मिल गया है या नहीं तो सबका पता करते हैं, क्योंकि सबका पता करना चाहिए। कुछ जो हमारी यात्रा के लोग हैं वो अभी कुछ पीछे रह गए हैं, तो देखते हैं वो कब तक पहुँचते हैं और उनकी क्या व्यवस्था रहती है। श्रद्धालु जो है वो थक हार के बैठे, फेंकी जरूरत ना फेंकी जरूरत, कुछ थक हार के बैठे और कुछों का जोश अभी भी खत्म नहीं हुआ, कुछ भजन संकीर्तन कर रहे हैं और भजन गाते गाते भोले बाबा के दरबार तक पहुंचेंगे। कल जो है सारी यात्रा पुपार वाली साइड से आ रही है, क्योंकि कहते पुल वाला रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ काफी जाम लगा हुआ था, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा था सबके लिए, तो वो वाला रास्ता बंद कर दिया गया है और सारी यात्रा जो है पार से आ रही है। दिन ख़त्म होने के साथ साथ मेरी व्लॉग भी आज की ख़त्म होती है, क्योंकि कल हम सुबह ही अर्ली मॉर्निंग यहाँ से ऊपर कैलाश कुंड के लिए रवाना हो जाएंगे और कल दिन का मैं सारा आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है और ना ही कॉलिंग चलती है। काफ़ी पहाड़ियों पे आए हुए हैं हम टॉप पे, अभी इससे भी ऊपर जाना है, तो कल तक के लिए जय भोले।